बहुत थकान हो गई थी तो सोचा कि मैं पेट्रोल पी लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु पांगती, शायद आप भूल गए होंगे ऑब्वियस है क्योंकि इतने टाइम बाद मैं फिर से व्लॉगिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। वही जहाँ की थी गर्म मैंने। सो गाइस, 5 किलोमीटर मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मजा आ गया। आपकी शॉप कहाँ पर? ये ठंडी सड़क में। तो इसमें क्या कहते हैं, तुम्हारा यहाँ पे कोई वो दिक्कत तो नहीं होगी? ये खाल थोड़ी बहुत पतला हुआ है, उससे क्या मतलब है यार? ये तो देखना पड़ेगा तुमने तो डिजाइन वगैरह वगैरह। आपके हिसाब से किस टाइप का बनाना चाह रहे हो? कुछ भी ले लेगा, मतलब कोई सही सही जो लग जाए। ये भाई की मुस्कान एक नंबर। अब ये पूरे पैर में टैटू बनाना है कंटिन्यू। यहाँ सोचो बनाने के लिए, तब और मज़ा आएगा, फिर पब्लिक रिएक्शन भी तगड़ा मिलेगा, जैसे आजकल मिलता है काफ़ी। जब मैं शॉर्ट्स में होता हूँ तब तो लोग मेरा पैर ही घूरते रहते हैं। बनाना है? अरे बना ले यार। हाँ भाई को टैटू नहीं बनाना कह रहा है। अभी काफ़ी 4-5 लोग लड़के आए थे, वो यहीं पूछने लग गए भैया ये टैटू बनाना है वो टैटू बनाना है, मुझे पूछना है क्या बनाओ करके। ये तो भाई खुद ने डिसाइड करना होता है कि क्या बनाना है। क्यों भाई, है ना? सही बात है ना। लेट्स गो टू होम, एडॉप्ट माय एडवेंचर। व्लॉगिंग करने कंटिन्यू करने में ना उतनी एनर्जी भी लेके आनी पड़ेगी। आजकल एनर्जी है ना व्लॉगिंग में काफ़ी कम हो रखी है, ऑब्वियस है हो रही क्योंकि कंटिन्यू नहीं था। बट लेट्स चली। अरे पहलवानो कहाँ से आ रहे हो? वो छुप गया, गजब है। बहुत थक चुका था मैं तो पेट्रोल पीने जा रहा हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है? बहुत थकान हो गई थी तो सोचा कि मैं पेट्रोल पी लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगी। जलते हुए पेट में किया गाइस, आप कभी मत पीना ऐसे पेट्रोल, पर मेरे अंदर तो गट्स हैं इसलिए पी रहा हूँ मैं। आदत हो चुकी है, यू नो आई वांट टू बी अ मशीन। तो जोक मारा रे, लॉल हो गया, मेरा पांव कीचड़ में घुस गया। ईचे अच्छा अच्छा चिची। गाइस पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया तो मैं इसी से अपने जूते का कीचड़ धो दे रहा हूँ मैं। पेट्रोल सही देखा। आप लोग सोच रहे हो कि साला ये पेट्रोल पी रहा है और जूते भी धो दे रहा है। अम्बानी अपना दोस्त है इसलिए वो पेट्रोल मेरे को फ्री में देता है। लेट्स गो कपिल के पास। कपिल मैं आया। मैं तो पुज गए छू कपिले का शॉप मां। मेरे भाई गुड मॉर्निंग। देखा अच्छा रिप्लाई करता है मेरे जीमी। अबे मेरे भाई गाना कौन सा चल रहा है? आए हाय ओए होए बड्डो बड्डी चल रहा है क्या? बड्डो बड्डी गाना चल रहा है क्या? इसमें गाने भी ना इंस्टाग्राम में ऐसे चलते हैं चूतियों जैसे एकदम। अरे बहुत ही गंदे गाने चलते हैं भाई। गाने चलने चाहिए शान के, अभिजीत सिंह के, जो उस टाइम पे चलते हैं। मैंने प्यार तुम्हें से किया है ओ। हाँ वही 90s ही चलने चाहिए ना, बिकॉज वी आर फ्रॉम 90s। वही तो कह रहा हूँ यार, ये 21st century के जो सॉन्ग्स हैं ना बहुत ही गंदे होते हैं यार। आंचल ते कहाँ गिला? यू छा आंचल। कपिल
तेरी शादी ना आंचल से करा देते हैं। खुशी बोलो ना दोस्त, अपना कपल सबसे बेस्ट है यार, है ना, है एकदम प्यारा है, मस्त है। और बताए ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे, मतलब ही इज वेरी कंसर्न अबाउट माई ब्लॉग्स एंड अबाउट मी ऑल्सो। तो इसलिए भाई दोस्त ऐसा हो तो क्या बात है, क्यों आप लोग का भी कोई ऐसी दोस्त है प्यारा सा बचपन का चड्डी बड्डी। कभी मेरे दोस्त तेरी दोस्ती की मैं क्या दाद दूं, बोलना वाह 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 वाह, बोल दो एक बार, बोलना बोलना भाई बोलना, वाह 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 बोलना। तेरी दोस्ती की मैं क्या दाद दूं, तू हाथ दे मैं पाद दूं। तेरी दोस्ती की मैं क्या दाद दूं, तू हाथ दे मैं पाद दूं। ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज कपिल भैया का बर्थडे है, फ्री में ले जाओ आप, बर्थडे इनका, हैप्पी बर्थडे बोल दो। अरे नहीं बर्थडे नहीं है। मैं तो भाई कपिल को कह रहा हूँ कि अच्छे से हम दोनों व्लॉगिंग करते हैं मस्त करके, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को मेरे साथ रहना है बस। फिर उसके बाद 50 की एज में हम दोनों मिलके पहाड़ पे बैठ के एकदम मस्त अपने पुराने व्लॉग्स देखेंगे भाई, मजा आ जाएगा कसम से एकदम। क्या बोलता है, यह हंसता ही रहेगा, बनाना व्लॉग तो ना। यस गाइस मैं पहुंचा हूं स्टूडियो अभी, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा क्लीनिंग करना था, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था, टाटू वाटू बना के सीधे मैं चला गया था घर। समोसे में आलू ये मेरा स्टाइल है। साइकिल चला के मजा आ गया, तो फौजी लग रहा है भाई, तो फौजी। यस छुट्टी में आ रहे हैं, छुट्टी में कितने दिन की छुट्टी में, छुट्टी एक हफ्ते की छुट्टी में। सर दोस्तों देख रहे हैं आप, ये सीधे फौज से घर घर पे आ रखा है अग्निवीर, अग्निवीर हो आप। चार साल के लिए हो, यस वाह। देख लो इस पहलवान को, अब कितना लोबिया खाएगा भाई, क्या लोबिया, मैं कहाँ खा रहा हूँ, कल भी लोबिया आज भी लोबिया। सो यार गुल जो मम्मी ना लोबिया बॉईल करती था मस्त एकदम फुल, ये क्या बता रहे हैं, मैंने ऐसे ना बनता करके तुम तो एकदम बिल्कुल खाओगे। किसी ने बताया था कि लोबिया में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत बढ़िया और कितना तगड़ा बनता है। यस तो मम्मी आज ये फिर से लोबिया बना रही है, इतना टेस्टी, और ये सब चीज उसमें जाएगा एकदम लबालब, बहुत ही चटपटा एकदम बनता है उसमें, फुल प्रोटीन उससे मिलता है काफ़ी। तो भाई तो वही खाता है, अपन भी वही खाएगा, और अभी मैं जाता इसलिए फटाक से नहाने के लिए। किससे जाएगा तू, स्कूटी से, कहाँ हैं सो देख रहे हो गाइस, स्कूटी में जाएगा ये, स्कूटी में, वो भी आदि कैलाश और जोहार स्कूटी में जाएगा लड़का। ओए पागल, हमें देखो मोजा कैसे फेंक रही है। स्कूटी में जाएगा, मैं सोच रहा हूँ इसके लिए अच्छा से गिफ्ट कर दो, वैसे भी मैं चाह रहा था कि इस साल से मैं गिफ्ट करूँ बाइक, बिकॉज मेरे पास तो है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए भी एक अच्छी सी बाइक ला दूँ, बट वो होगी ऑफ रोडर वाली बाइक, जिसके लिए मैंने 75 चैलेंज कर रहा था मैं, यानी 75 चैलेंज में क्या कर रहा था, एक एडवेंचर बाइक के लिए। तो पहले मैं हिमालयन का देखा था, मैंने हिमालयन का मैंने कोटेशन वगैरह भी ले लिया था सब, मतलब हिमालयन मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज इट्स टू कॉस्टली, और फालतू में ऑलरेडी मेरे पास इतनी महंगी बाइक ऑलरेडी रखी है 650, एक एडवेंचर बाइक हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा हीरो की एक्सपल्स 204V, इसके रिव्यूज़ में देखा था, और रैली एडिशन मज़ा ही आ जाएगा वो तो फिर। यस अरे तेरे को, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे को बाइक गिफ्ट कर रहा है यार, तूने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। सच में यार तूने इतने इतने प्राउड वाले काम कर रखे कि मैं तेरे को एक बाइक, इसी खुशी में तेरे को एक बाइक गिफ्ट करने वाला हूँ मैं। अभी और क्या, सच में बहुत अच्छे अच्छे काम किए तूने। मम्मी ने देखो गॉइज ये बना दिया लोबिया का मस्त फुल ऑफ प्रोटीन, इसकी रेसिपी तो भाई हर कोई मुझे इंस्टाग्राम में पूछा था, मैंने बता दिया, लेकिन पागल है क्या, क्या है भाई, अपना डाइट शेयर करो।
ओह वाओ बड़ा खाना मस्त मजा आ गया। पपीता खाएगा काटूं? पपीता नहीं मम्मी नाश्ते के बाद खाऊं यार। ना 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 ना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडियो में और अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी मैंने कर दी है फिलहाल। और बीच में 75 डेज चैलेंज भी मैं कर रहा था, फिर बीच में मैंने क्विट कर दिया फॉर सम रीज़न। और लेकिन एक अच्छी आदत बन चुकी है कि वो है पर डे सेविंग वाली, तो वो गुल्लक में मैं अभी भी यू नो पैसे डाल ही रहा हूँ मैं। एल लो जी, क्लाइंट पहले ही पहुँच चुके हैं, वहीं कहीं गाड़ी वाड़ी लगा रहे होंगे इधर पे। वो कह रहे हैं मैं पहुँच गया हूँ, आप भी पहुँच जाइएगा। भाई अब उनको क्या बताऊँ, मैं तो पहले ही पहुँच जाता हूँ। इसके बीच से आना, इसके बीच से चिपक जाएगा, तो चिपक जाएगा वाओ। ये भी है, अरे यार इतना सचमुच का आम है। लेट्स बीट द हीट। तेरे को पसंद आया गाड़ी? गाड़ी तो अच्छी दिख रही है। हाँ यार हाइट वालों की अच्छी है। सो गाइस मैं तो पूरा झूल जा रहा था लिटरली उसमें। मैं तो इसको बोल रहा हूँ कि तू ले ले करके, बट ये कह रहा है नहीं। देखता हूँ क्या होता है सीन। मैं मन तो कर रहा है लेने का, बट उसमें मेरी हाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही है। बट कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा।